जायंट फिश ये एक फैंटेसी मिस्ट्री रोमांटिक मूवी है जो एक फिशरमैन के बारे में है। मूवी में एक ऐसा शहर दिखाया है जो समुंदर के पास है, जहाँ पर बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं। एक फिशरमैन को एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जो काफ़ी अजीब है। यह लड़की उससे कैसे मिलती है और इसके बारे में क्या मिस्ट्री है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी का डायरेक्शन डिसेंट है, लेकिन इसकी स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई। कहानी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसके कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग नहीं है। एक भी कैरेक्टर आपको पसंद नहीं आता, ना ही किसी के लिए आप केयर कर पाते हो। मूवी का नाम जायंट फिश है, लेकिन इसमें आपको कोई भी बड़ी मछली देखने को नहीं मिलती। तो मूवी का टाइटल और पोस्टर जिस बात को प्रेजेंट करते हैं, वो तो हमें मूवी में देखने को ही नहीं मिलती। इस लड़की के बारे में एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री जानने के बाद भी आपको शौक नहीं लगता। मूवी का एक भी सीन इफेक्टिव नहीं है और ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पूरी मूवी में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता जिससे आपको खुशी मिले। ये एक एक्शन फैंटेसी रोमांटिक मिस्ट्री मूवी है, लेकिन इन चारों में से आपको मूवी में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। स्क्रीन प्ले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मूवी आपको कहीं पर भी एंगेज नहीं कर पाती। इसकी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी डबिंग ठीक ठाक है। मूवी में कोई एडल्ट सीन नहीं है और प्रो ऑडियंस को यह ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। ओवरऑल दोस्तों मूवी अच्छी नहीं है, इसे आप मत देखना। इसके अलावा मैंने दूसरी हिंदी डब मूवीज़ का भी रिव्यू किया है, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। 'Cause I've been living life right like I-